सो ये गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका और एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 गेम्स को जो कि अभी तक रिलीज हुए हैं इन द ईयर 2024 में। तो वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखना, ये नहीं कि आपका कुछ कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो को करते हैं शुरू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट गेम है प्रिंस ऑफ पर्शिया द लॉस्ट क्राउन। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया द लॉस्ट क्राउन हमें एक एक्शन एडवेंचर गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट ने। तो ये एक 2.5D साइड स्क्रोलिंग एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि सेट है माइथोलॉजिकल पर्शियन वर्ल्ड में, जहाँ पर हम फॉलो करते हैं सरजॉन को जो कि जंप, स्लाइड एंड एयर डैश कर सकता है टू ट्रैवल बिटवीन प्लेटफॉर्म्स। तो सरजॉन जो है वो एक मेंबर होता है एलाइट ग्रुप ऑफ वॉरियर्स का नोन एज इमोर्टल्स, और गेम में हमारे पास टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी होती है जिससे कि हम डेडली कॉम्बोज परफॉर्म कर सकते हैं एंड पजल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और गेम में नॉन लीनियर एक्सप्लोरेशन एंड कैरेक्टर प्रोग्रेशन जो है वो गेम में एक न्यू फ्रेश एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया द लॉस्ट क्राउन एक थ्रिलिंग एडवेंचर गेम है जिसे कि आप एक ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है स्कल एंड बोन्स। तो स्कल एंड बोन्स हमें एक एक्शन एडवेंचर गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप किया है यूबीसॉफ्ट सिंगापुर ने और पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट ने। तो स्कल एंड बोन्स गेम जो है वो रिवॉल्व करता है पायरेसी एंड नेवल वॉरफेयर के बीच में, जो कि सेट है ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया पर ड्यूरिंग लेट 17th सेंचुरी, जब पायरेसी जो है वो अपने पीक पर थी। तो गेम में हम स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से और हमारा एम होता है कि हम वन ऑफ द मोस्ट फियरसम पायरेट बने इन इंडियन ओशंस में। और गेम में हमें काफी ब्रूटल नेवल कॉम्बैट भी देखने को मिलता है, और गेम में हमें काफी ब्यूटीफुल बट डेंजरस काउंट ऑफ अफ्रीका से लेके ट्रॉपिकल आइलैंड ईस्ट इंडीज को एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। और हम जो है वो हमारे शिप को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और गेम जो है वो ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव पर सेट है। तो अगर आपको पायरेट थीम गेम्स पसंद होगी तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है द आउटलास्ट ट्रायल। तो आउटलास्ट ट्रायल हमें एक हॉरर सर्वाइवल गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया है रेड बैरल स्टूडियोज ने। तो आउटलास्ट गेम जो है वो फेमस है अपने हॉरर जॉनरा की वजह से। तो द आउटलास्ट ट्रायल गेम जो है वो हमें एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव गेम देखने को मिलता है जिसमें कि हमें 4-player co-op मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और गेम को जो है वो हम सोलो भी कम्प्लीट कर सकते हैं। और गेम में हमें 4 different कैरेक्टर क्लासेस देखने को मिलते हैं, और हर एक क्लास की अपनी ओन यूनिक एबिलिटी होती है जो कि हमें गेम खेलने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और गेम में हमें सेट ऑफ टास्क कम्प्लीट करने होते हैं और मॉन्स्टर एनिमी से बचकर सरवाइव करना होता है, और हमें बाय डिफॉल्ट नाइट विजन गॉगल्स दिए जाते हैं लो लाइट एरिया में देखने के लिए। तो अगर आपको हॉरर थीम गेम्स पसंद होगी तो आप इस गेम को डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है कॉन्ट्रा ऑपरेशन गैलुगा। तो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे डेवलप किया है वे फॉरवर्ड ने और पब्लिश किया है कोनामी ने। तो ये गेम जो है वो रीइमेजिनेशन है ऑफ क्लासिक 80s कॉन्ट्रा गेम का विद मॉडर्न ग्राफिक्स एंड इम्प्रूव्ड टेक्सचर्स के साथ। और गेम में हमें न्यू स्टेजेस, एनिमीज एंड बॉसेस देखने को मिलेंगे, और ये एक 2.5D प्लेबल गेम है। और गेम में हमें 3 modes देखने को मिलते हैं, लाइक स्टोरी मोड, आर्केड मोड एंड चैलेंज मोड। तो अगर आपको पुराने कॉन्ट्रा गेम की वाइब होनी है तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है WWE 2K24। तो WWE 2K24 हमें एक रेसलिंग स्पोर्ट्स वीडियो गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप किया है विजुअल कंसेप्ट ने और पब्लिश किया है 2K गेम्स ने। तो ये गेम जो है वो WWE सीरीज का गेम है। तो ओवरऑल WWE 2K24 गेम के मैकेनिक जो है वो हमें प्रीवियस गेम की तरह ही देखने को मिलते हैं, बट इस गेम में हमें टोटल 3 editions देखने को मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड एंड क्रॉसजेन डिजिटल एडिशन, सेकंड है डीलक्स एडिशन एंड थर्ड है 40 year ऑफ रेसलमेनिया एडिशन। और गेम में हमें कुछ न्यू मैच टाइप्स देखने को मिलेंगे एंड ओवरऑल रेसलिंग जो है वो काफी इम्प्रूव्ड इस गेम में हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप WWE के फैन होंगे तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है हाउस फ्लिपर 2। तो हाउस फ्लिपर 2 हमें एक हाउस बिल्डिंग सिमुलेटर गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया है फ्रोजन डिस्ट्रिक्ट ने। तो ये गेम सेकंड इंस्टॉलमेंट है हाउस फ्लिपर सीरीज का। तो नाम पर से पता चल जाता है कि हाउस फ्लिपर 2 गेम में हम अपना ओन हाउस अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से बना सकते हैं, और सैंडबॉक्स मोड में हम स्क्रैच से हाउस बना सकते हैं ब्रिक बाय ब्रिक, एंड अदर्स ऑप्शन में हम सारे हाउसेस को जो भी अवेलेबल है उसे रिनोवेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हाउस बिल्डिंग सिमुलेटर गेम्स पसंद होंगे तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है द रोग प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो द रोग प्रिंस ऑफ पर्शिया हम एक साइड स्क्रोलिंग रोग लाइक गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप किया है इविल एम्पायर ने और पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट ने। तो ये गेम टेक प्लेस होता है अराउंड द सिटी ऑफ टेसिफोन, जहाँ पर हम फॉलो करते हैं कैरेक्टर को बाय द नेम द प्रिंस। तो ये एक 2D साइड स्क्रोलिंग गेम है जहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्कोर मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक वॉल जंपिंग, वॉल रनिंग, स्विंगिंग, जंपिंग ऑफ पोल्स एंड मेनी अदर्स। और साथ ही साथ प्रिंस के पास कुछ वेपन्स भी होते हैं
जिससे कि हम एनिमीज को इजीली किल कर सकते हैं और मिले एंड रेंज अटैक को भी परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ में ही प्रिंस के पास एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट होता है जिससे कि हम टाइम ट्रैवल एंड अदर कुछ फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल गेम में हमें सिर्फ एनिमीज को किल करना होता है एंड एबिलिटी को यूज करना होता है। तो ये एक प्रिंस ऑफ पर्शिया सीरीज का गेम है जिसे कि आप एक ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है सेनुआ सागा हेलब्लेड 2। तो सेनुआ सागा हेलब्लेड 2 हमें एक एक्शन एडवेंचर गेम देखने को मिलता है जिसे कि डेवलप किया है निंजा थेरीज ने और पब्लिश किया है एक्सबॉक्स गेम स्टूडियोज ने। तो ये गेम सीक्वल है हेलब्लेड सेनुआ सैक्रिफाइस गेम का। तो बात करें सेनुआ सागा हेलब्लेड 2 गेम की, तो ये गेम जो है वो मे बी कंटिन्यू स्टोरी है अपने प्रीवियस गेम की ही, जहाँ पर गेम प्ले एलिमेंट जो है वो हमें काफी सेम ही देखने को मिलते हैं, बट हमें काफी ज्यादा डायनामिक एंड रियलिस्टिक फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सेनुआ के बैकग्राउंड एंड कनेक्शन की वजह से हम नॉर्स मैथोलॉजी को और भी ज्यादा डीपर इस गेम में एक्सप्लोर कर पाएंगे। और साथ ही साथ में ये गेम हमें साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको हॉरर थीम एक्शन एडवेंचर गेम पसंद होगे तो आप इस गेम को डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है स्टार वॉर्स आउटलास। तो स्टार वॉर्स आउटलास हमें एक एक्शन एडवेंचर गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप किया है मैसिव एंटरटेनमेंट्स ने और पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट ने। तो गेम की जो स्टोरी है वो सेट है स्टार वॉर्स यूनिवर्स में बिटवीन द इवेंट्स ऑफ एम्पायर स्ट्राइक बैक एंड रिटर्न ऑफ जेडाई। और गेम में हम कंट्रोल करते हैं के वैस को जो कि ट्रैवर्सिंग करता है ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ऑन प्लैनेट एंड इन स्पेस। और हमारे साथ एक कंपेनियन होता है बाय द नेम निक्स। और गेम में हमें काफी सारे लोकेशंस को डिस्कवर करना होता है और हाई रिस्क मिशंस को कंप्लीट करना होता है। और हम ट्रैवल करते हैं प्लैनेट के बीच में इन स्टारशिप कॉल्ड ट्रेल ब्लेजर। और गेम में हमें चॉइस बेस्ड सिस्टम देखने को मिलती है, सो हमारे चॉइस के बेसिस पर फर्दर गेम की स्टोरी मूव होती है। तो अगर आपको स्टार वॉर्स यूनिवर्स के गेम्स पसंद होंगे तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है कैट क्वेस्ट 3। तो कैट क्वेस्ट 3 हमें एक एक्शन एडवेंचर कैट गेम देखने को मिलता है जिसे डेवलप किया है द जेंटल ब्रॉस ने और पब्लिश किया है केपलर इंटरएक्टिव ने। तो कैट क्वेस्ट सीरीज जो है वो एक अवार्ड विनिंग सीरीज है। तो बात करें कैट क्वेस्ट 3 गेम की, तो ये एक 2.5D ओपन वर्ल्ड RPG पर सेट है जहाँ पर हम रोल लेते हैं एज अ स्वॉच बकलिंग पुरीवटोर का इन अ फ्रिक्शनल पायरेट थीम वर्ल्ड कॉल्ड पुरीबियन। तो पुरीबियन जो है वो पीरेट से भरा हुआ है और हमारा मेन मोटो होता है नॉर्दर्न स्टार को ढूंढना जो कि एक लॉन्ग लॉस्ट मिथिकल ट्रेजर है। और गेम में हमें काफी सारे बायोम्स को एक्सप्लोर करने को मिलेगा और ये फर्स्ट गेम है कैट क्वेस्ट सीरीज का जहाँ पर हम शिप चला सकते हैं और शिप से बैटल भी कर सकते हैं। तो गेम को जो है वो हम सोलो या फिर लोकल कोऑप से भी खेल सकते हैं। तो ये जो गेम है वन ऑफ द क्यूटेस्ट RPG गेम है जिसे कि आप एक ट्राई दे सकते हो। ऑलराइट, तो यही कुछ टॉप 10 गेम्स है जो कि अभी तक 2024 में रिलीज हो चुके हैं। तो ये जो सारे गेम्स है वो मैंने अपने चॉइस के बेसिस पर सिलेक्ट करे हैं, तो आपकी जो चॉइस है वो माइट बी डिफरेंट हो सकती है, तो वो जो है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे गेमिंग रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।